सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में, हम हैं उस माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल, जय माता दी। नवरात्रों के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। जगत जननी माँ जगदम्बा आप सभी के जीवन में बहुत सी खुशियां लेकर आए, सुख शांति समृद्धि का संचार करे, जय माता दी। तो दर्शकों, सबसे पहला नवरात्रा है माँ शैलपुत्री का। पहला नवरात्रा, प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री और के माथे पर आपको पता ही है कि अर्ध चंद्रमा स्थापित होता है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। उनकी सवारी जो है वो नंदी जी माने जाते हैं। देवी सती के सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में पूर्व जन्म लिया था, पुनः जन्म लिया था और वे फिर वहीं शैलपुत्री कहलाई थी। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। तो माँ को कौन सा भोग लगाना है, माँ के चरणों में आपने क्या अर्पित करना है, इस बारे में आपको जानकारी दूंगी। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ जो है, माँ शैलपुत्री का संबंध जो है वो हिंदू देवी देवताओं से है। उनका अस्त्र जो है वो त्रिशूल है, जीवन साथी उनके शिव है और सवारी जो है वो उनकी वृषभ है, यानी कि नंदी की सवारी जो है वो माँ करती हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि माँ जो है कितनी सुंदर माँ है। और एक बारी क्या हुआ, तो कि एक बारी ये जो है प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इनके लिए कहानी जो है वो बड़ी प्रचलित है। राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, तो उनकी पिछले जन्म में इनकी बेटी थी माँ शैलपुत्री। सभी देवी देवताओं को बुलाया और यज्ञ को इन्होंने करवाया, लेकिन इन्होंने जो है ना क्या किया, इन्होंने सिर्फ शिव जी जी को नहीं बुलाया, क्योंकि माँ सती जो है जब ने सुना कि उनके पितर बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ जाने का जो है मन बनाया और उन्होंने ये अपनी इच्छा को शिव शंकर भोलेनाथ को बताई। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कहते कि जो आपके जो पिताजी हैं प्रजापति दक्ष जो है वो किसी कारणवश जो है वो मुझसे नाराज हैं, तो इसलिए सभी देवताओं को उन्होंने निमंत्रण किया है, लेकिन जो है उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना भी नहीं भेजी है, इसलिए तुम्हारा वहाँ पर जाना अच्छा नहीं रहेगा। शंकर जी ने इस बात को माँ सती को बताया, लेकिन वो उनसे संतुष्ट नहीं हुई। पिता का यज्ञ देखने के लिए, अपनी माता से अपनी बहनों से मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी ज़्यादा जो क्या कहते हैं कि उसे बहुत उनका प्रबल इच्छा हो गई कि वो वहाँ पर जरूर जाएं। तो उन्होंने शंकर जी से अनुमति ली और वहाँ जाने की अनुमति उन्होंने शंकर जी ने उन्हें दे दी। सती के पिता ने घर पहुंचकर देखा, जब सती अपने पिता के घर गई तो उन्होंने देखा कि आदर से कोई प्यार से उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, सभी लोग उनसे मुंह फेर कर बैठ गए हैं और माता जो है सिर्फ उनकी माता ने ही उनको गले लगाया, बहनों ने उनके ऊपर व्यंग कसा और उपहास करने लगे और उनके पिताजी ने भी शिव शंकर भोलेनाथ के लिए जो है कुछ अपमानजनक आपत्तिजनक जो है वो बातें उन्होंने बोली। तो क्या हुआ कि ये बातें उनको बड़ा दुख लगा कि उन्होंने भगवान शंकर जी की बात नहीं मानी थी और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने पति की इतने अपमान को वो सह ना सकी और उन्होंने तक्षण ही योगाग्नि द्वारा जलाकर अपने आप को भस्म कर लिया। और इससे जो है जब उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया तो उसके बाद जब शंकर जी को ये सब चीज़ें को पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष का, राजा दक्ष का जो यज्ञ था वो पूरी तरह से विध्वंस करवा दिया। सती ने जो है वो दोबारा जन्म लेकर जो है वो हिमालय की शैलपुत्री वो कहलाई और उन्हें दोबारा जो है हिमालय के शैलराज के घर में उन्होंने जन्म लिया और वो शैलपुत्री खिलाई। इस प्रकार से उनका नाम जो है वो शैलपुत्री जो है वो पड़ा। तो ये हम माता के पहले स्वरूप की जो है पूजा करते हैं, ये माता के दुर्गा के पहला स्वरूप है और हम इसकी पूजा करते हैं। अब आपको माँ के चरणों में क्या भोग ऐसा लगाना है जिससे आपके जीवन में माँ का आशीर्वाद आपको मिले, आपके जीवन में आप निरोगी हो, आपका मन जो है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि माता जो है चंद्र के दोषों को दूर करती है। तो आज के दिन आपने माता को घी का, गाय के घी का भोग लगाना है। आप क्या करें कि एक कटोरी में,
एक कटोरी में या फिर एक डिस्पोजेबल कटोरी ले लीजिए और उसे माँ दुर्गा के आगे मंदिर में रखकर आइए। इससे आपके पूर्व जन्मों के पाप भी हटेंगे और माँ का आशीर्वाद आपको पूरा पूरा मिलेगा। तो आपने आज ये कार्य करना है। और दूसरा कार्य आपने क्या करना है, नंदी देव अगर आपको मिल जाते हैं तो आपने क्या करना है, नंदी देव को आपने एक रोटी में जो है दो मिठाई के पीस रखकर, दो बर्फी के पीस रखकर नंदी देव को आपने आज के दिन सफ़ेद बर्फी के पीस रखकर नंदी देव को खिलाने हैं। अगर नंदी देव आपको नहीं मिलते हैं तो आप जो है गाय को भी खिला सकते हैं, ऐसा कीजिए। और साथ में आज आप आज के दिन जो है, क्योंकि चंद्रमा के दोषों को दूर करती है और आज वीरवार का दिन भी है, 7 अक्टूबर का दिन है, पहला नवरात्र है, तो आज के दिन आप क्या करें, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा दूध डालकर नहाएं। इससे आपके जीवन में सुख शांति का संचार होगा, चंद्र के दोषों से आपको जो है मुक्ति मिलेगी। और साथ में आज के दिन आप शाम के समय में ओम चंद्रशेखर कहकर आप चंद्रमा को अर्घ जरूर चढ़ाएं और अपने जीवन में चमत्कार देखें, किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार आता है। तो दर्शकों, ऐसे ही मेरी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप गुरुदेव, संजीव व साक्षी ठाकुर से पर्सनली एंड टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का फुल एनालाइजेशन करवा सकते हैं, आपको मिलेगी 1 ईयर रेमेडीज फ्री।